गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टीचिंग एड्स इन इंग्लिश पेडागॉजी। तो मैंने इसको चार भागों में बांटा है, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, लैंग्वेज लैब एंड सीएआई। विजुअल मतलब जो दृश्य आपके हैं, उसमें बहुत सारे हैं, कुछ मोटे मोटे मैंने लिखा हुआ है, जैसे आपके हैं बोर्ड हुआ, चार्ट हुआ, मैप हुआ, पिक्चर हुआ, मॉडल हुआ, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें स्लाइड कर करके देखते हैं, न्यूज़पेपर हुआ, म्यूजियम हुआ, मैगजीन हुआ और एजुकेशनल टूर हुआ। नेक्स्ट जो हम ऑडियो में देखते हैं वो कैसेट्स आप यूज़ करते हैं, जो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, साउंड सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारे आपके ऑडियो में आते हैं। ऑडियो विजुअल में अगर हम देखें तो ऑडियो विजुअल में आपका हो गया फिल्म प्रोजेक्टर, टी वी, वी सी डी। वी सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, ठीक है, और VCP, वीडियो कैसेट प्लेयर, ठीक है, DVD आप जानते ही हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें ऑडियो और विजुअल मतलब दृश्य और श्रव्य दोनों हो। और लास्ट सबका है लैंग्वेज लैब। तो भाषा प्रयोगशाला आप जानते हैं, इसका जो उद्देश्य होता है डेवलपिंग गुड स्पीच हैबिट, आप अच्छे से बोल पाएँ या खुद से आप रिकॉर्ड करके फीडबैक ले पाएँ, भाषा को अच्छे से सीख सकें। तो यहाँ पे लैब की भी बात की गई। और लास्ट सबका क्या है? CAI, कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग। ये एक इनोवेशन है, नवाचार है, इसमें जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एड्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपके प्रमुख टीचिंग एड या TLM है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ नया देगा तो अगर आप उसको जानते रहिएगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट TLM।